हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो? अपने घर पे अच्छे हो ना? सब अपना ध्यान रखना बच्चों, सब अपनी केयर करना। हर रोज़ अपने वन एन आवर के हम हर रोज़ हमारे हैंड को सैनिटाइज करना है। करोगे ना सैनिटाइज? बाहर बहुत ज़्यादा निकलना नहीं है, अपनी केयर करना है। सो आप ऐसे केयर करके रहोगे अपने, तो आप कैसे रहोगे? सेफ रहोगे एंड फाइन रहोगे। अपने होम पर आप कैसे रहोगे? सेफ रहोगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज पार्ट। दिस इज माय फोर्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, फूड एंड शेल्टर फॉर प्लांट्स। बच्चों, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन पार्ट। हमने ऑलरेडी ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया है। नाउ टुडे We are going to start exercise. अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो इन टेक्स्ट बुक ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 57। बच्चों, सब अपनी बुक निकालो और पेज नंबर 57 ओपन करो और अपने हैंड में पेंसिल और इरेजर साथ में लेना। आर यू ऑल रेडी बच्चों? अपने पेंसिल इरेजर ले लिया? सब रेडी हो एक्सरसाइज करने के लिए? यस, ऑल आर रेडी। नाउ EXERCISES एक्सरसाइज। आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। LETS लेट्स, UNDERSTANDED अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन OBJECTIVE objective, TIPE type, QUESTIONS questions, objective type questions यानी वन वर्ड वाला questions जो छोटे छोटे होते हैं, objective होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Objective type questions। Now all of you put your finger in a question। सब अपने फिंगर रखो, मैं जो भी वर्ड्स बोलूँ उस पर आपकी क्या होनी चाहिए? फिंगर भी होनी चाहिए और उसके बाद आपको भी बोलना है। बच्चों, आप भी बोलोगे ना? यस। ए क्वेश्चन, FILL फील, INN THE BLANKS ब्लैंक्स, WITH वीथ, THE CORRECT करेक्ट, WORDS बर्ड्स। बच्चों, फील इन द ब्लैंक्स यानी ये आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसमें फील करनी यानी लिखना है, उसको हम क्या बोलेंगे? फील। आपको ब्लैंक्स को फील करना है विद द करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड्स यानी सही वर्ड्स को आपको ब्लैंक्स में लिखना है। फर्स्ट वन, ऑल ऑफ यू पुट योर फिंगर इन फर्स्ट ब्लैंक। ए ब्लैंक SQUIRREL स्क्वीरल / COW काउ, EATS ईट्स, GRASS ग्रास। ए ब्लैंक स्क्वीरल / काउ, ईट्स ग्रास। बच्चों, ग्रास कौन ईट करता है? ग्रास यानी घास। वो ग्रास कौन ईट करता है? स्क्विरल या काउ? यस, राइट आंसर इज काउ। सो बच्चों, यू हैव टू अंडरलाइन काउ, और यू वांट टू टेक देन टेक इट, एंड यू वांट टू अंडरलाइन देन अंडरलाइन। बच्चों, मैंने अंडरलाइन किया है, आपको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और टिक करना है तो टिक भी कर सकते हैं। और टिक करके आपको ब्लैंक्स में क्या लिखना है? COW काव। सेकंड ब्लैंक, ए ब्लैंक FOREST फॉरेस्ट / CAVE केव, ISIS ए LARGE लार्ज, ARE एरिया, COVERD कोवर्ड, WITH वीथ, MAINLY मेनली,
TREES ट्रीज, ANDPLANTS प्लांट्स, ए ब्लैंक फॉरेस्टलेस केव, इज ए लार्ज एरिया कवर्ड विथ मेनली ट्रीज एंड प्लांट्स। बच्चों ऐसा कौन सा लार्ज एरिया है जो ट्रीज एंड प्लांट्स से कवर है? हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा एरिया होता है उसमें प्लांट्स और ट्रीज ही होते हैं, उसको फॉरेस्ट या केव? यस राइट आंसर इज फॉरेस्ट। तो बच्चों यू हैव टू अंडरलाइन फॉरेस्ट एंड राइट इन द ब्लैंक्स। नाउ थर्ड वन ब्लैंक्स, BWS बीस स्लैश, BIRDS बर्ड्स, MAKE मेक, HIBE हाइव्स, TO2, LIBE लीव, IN इन। ब्लैंक मेक, ब्लैंक बीस बर्ड्स, मेक हाइव्स टू लीव इन। बच्चों कौन बी हाइव बनाता है अपने रहने के लिए, किसका होम हाइव होता है? यस राइट आंसर इज बी। सो यू हैव टू अंडरलाइन एंड राइट इन द ब्लैंक्स बी। फोर्थ वन BIRDS बर्ड्स, MAKE मेक, ब्लैंक्स BURROD बुरो स्लैश, NEST नेस्ट टू ब्लैंक LAYLEGGSX स्लैश EAT FOOD फूड। बर्ड्स मेक ब्लैंक। बच्चों बर्ड्स क्या बनाता है, बुरो या नेस्ट? यस राइट आंसर इज नेस्ट। बुरो कौन बनाता है? रैबिट बनाता है। बच्चों बर्ड्स क्या बनाते हैं? नेस्ट बनाते हैं। टू ब्लैंक, तो क्या ब्लैंक टू क्या होता है, वो किसके लिए नेस्ट बनाते हैं? ले एक्स या ईट फूड। बच्चों किसके लिए, अपने खाने के लिए, अपने एक्स को रखने के लिए? यस राइट आंसर इज ले एक्स। बच्चों यू हैव टू अंडरलाइन एंड राइट आंसर इन ब्लैंक। नाउ फिफ्थ वन ATAT HOME होम, WEV KEEP कीप, FISH फीस, IN इन, SLN AQUARIUM एक्वेरियम स्लैश सेड। बच्चों एट होम वी कीप फीस इन। बच्चों फीस का होम क्या होता है? यस एक्वेरियम। सो बच्चों यू हैव टू अंडरलाइन द एक्वेरियम एंड राइट इन द ब्लैंक्स। नाउ बी क्वेश्चन, WRIT राइट, TFORE फोर, THE द, TRU ट्रू, ANDE एंड, FORE फोर, THE द, FLS फॉल्स, STATMENT स्टेटमेंट। बच्चों राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। बच्चों आपको ट्रू के लिए T लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए क्या लिखना है? F लिखना है। ना फर्स्ट वन ANIMALS एनिमल्स, EAT ईट, THE द, SAME सेम, KIND काइंड, OF FOOD फूड। एनिमल्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। बच्चों एनिमल्स एक जैसा फूड ईट करते हैं? यस आंसर इज फॉल्स, बिकॉज एनिमल्स डिफरेंट फूड ईट करते हैं। एनिमल्स ईट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, एनिमल्स कभी एक जैसा फूड ईट करते नहीं है। तो आंसर क्या आता है? फॉल्स। सो यू हैव टू राइट F। सेकेंड वन LIONS लायंस, ANDE एंड, TIGERS टाइगर्स, EAT ईट, INSE CTS इंसेक्ट्स, ANDE एंड, WORMS वॉर्म्स। लायंस एंड टाइगर्स ईट इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। बच्चों लायन एंड टाइगर इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स ईट करते हैं? नो। सो आंसर इज फॉल्स, लायन एंड टाइगर ईट द फ्लैश ऑफ
अदर एनिमल्स, लायन एंड टाइगर क्या ईट करते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. बच्चों तो इंसेक्ट्स एंड वर्म्स कौन ईट करता है? लिजार्ड एंड बर्ड्स, व्हिपू एंड वुडपेकर. थर्ड वन ए डी ओ जी डॉग, एल आई बी ई एस लीव्स, आई एन इन ए एस एच ई डी सेड. ए डॉग लीव्स इन ए सेड. बच्चों डॉग सेड में रहता है, डॉग का होम सेड होता है? नो. सो आंसर इज फॉल्स. क्यों फॉल्स है? बिकॉज ए डॉग लीव्स इन ए कर्नल. नाउ फोर्थ वन एच ओ आर ए सी एस हॉर्सेस, ए आर ई आर के ई पी टी कैप्ट, आई एन इन एस टी ए बी एल ई स्टेबल्स. हॉर्सेस आर कैप्ट इन ए स्टेबल. बच्चों हॉर्सेस को हम स्टेबल में रखते हैं? यस. आंसर इज ट्रू. देन यू हैव टू राइट टी. फिफ्थ वन ए आर ए डबल बी आई टी रैबिट, एल आई वी ई एस लीव्स, आई एन इन ए सी ए वी ई केव. ए रैबिट लीव्स इन ए केव. बच्चों रैबिट केव में रहता है? नो. आंसर इज फॉल्स. बिकॉज रैबिट लीव्स इन ए बुरो. रैबिट किस में रहता है? बुरो. उसका होम क्या होता है? बुरो होता है. नाउ सी क्वेश्चन. चूई सी एच डबल ओ एस ई चूस, टी एच ई तो सी डबल ओ आर ई सी सी ओ डबल आर ई सी टी करेक्ट, ओ पी टी आई ओ एन ऑप्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. बच्चों आपको फोर ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. फर्स्ट वन डब्ल्यू आई सी एच वीच, ओ एफ ओ टी एच ई एस ई धीस, ए एन आई एम एल एस एनिमल्स, ई ए टी एस ईट्स, आई एन एस ई सी टी एस इंसेक्ट्स. विच ऑफ दिस एनिमल्स ईट इंसेक्ट? इंसेक्ट इसमें से कौन सा एनिमल है जो इंसेक्ट ईट्स करता है? ए ऑप्शन डब्ल्यू ई डी पी ई सी के ई आर वुडपेकर, बी ऑप्शन एल आई जेड ए आर डी लिजार्ड, सी ऑप्शन ई ए जी एल ई ईगल. थर्ड वन बी ओ टी एच बोथ, ए एन डी एंड बी. तो बच्चों इसमें से कौन सा एनिमल्स इंसेक्ट ईट करता है? वुडपेकर करता है? यस. लिजार्ड इंसेक्ट ईट करता है? यस. ईगल करता है? नो. आंसर डी वन क्या है? बोथ ए एन बी. बोथ ए एन बी यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों. यस, वुडपेकर एंड लिजार्ड दोनों इंसेक्ट ईट करे तो ईट करते हैं. तो आंसर क्या आता है? डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी. सो यू हैव टू टेक द डी ऑप्शन. सेकंड वन विच ऑफ द डब्ल्यू आई सी एच विच, ओ एफ ओ टी एच ई एस ई धीस, ए एन आई एम एल एस एनिमल्स, ई ए टी ईट, एस डबल ई डी ए सीड्स. विच ऑफ दिस एनिमल्स ईट सीड्स? कौन सा एनिमल्स जो सीड्स ईट करते? ए ऑप्शन सी ओ डबल एस काउस, ए एन डी एंड एच ओ आर एस सी एस हॉर्सेस, काउस एंड हॉर्सेस. बी ऑप्शन एच ई एन एस, एच ई एन एस हैंस, ए एन डी एंड एस क्यू यू आई डबल आर ई एल एस स्क्विरल्स, एंड एन हैंस एंड स्क्विरल्स. सी ऑप्शन एल आई जेड ए आर डी एस लिजार्ड्स, ए एन डी एंड डब्ल्यू ओ डी पी ई सी के ई आर वुडपेकर, लिजार्ड एंड वुडपेकर. डी ऑप्शन ऑल ऑफ ए एल एल ओ एफ ओ टी एच ई एस सी दिस. विच ऑफ दिस एनिमल्स ईट सीड्स? कौन सा एनिमल्स जो ग्रेन ईट का सीड्स ईट करता है? फर्स्ट वन काउस एंड हॉर्सेस. नो. हैन एंड बी ऑप्शन हैन एंड स्क्विरल. यस, हैन एंड स्क्विरल ईट सीड्स. सिक्स्थ सी ऑप्शन लिजार्ड एंड वुडपेकर. नो. तो राइट आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन हैन एंड स्क्विरल. सो यू हैव टू टेक द डी ऑप्शन. नाउ थर्ड वन डब्ल्यू आई सी एच विच, ओ एफ ऑफ टी एच ई एस ई दैस दीज, एन आई एम एल एस एनिमल्स, ई ए टी ईट, पी एल एन टी एस प्लांट्स, एन डी एंड एफ एल ई एस एच फ्लैश, ओ एफ ऑफ ओ टी एच ई आर अदर एन आई एम एल एस एनिमल्स. इसमें से कौन सा एनिमल्स है जो प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर दोनों ईट करते? प्लांट्स भी ईट करते हैं एंड एनिमल्स के फ्लैश भी ईट करते हैं. ए ऑप्शन बी ई आर बी आर, ए एन डी एंड सी आर ओ डब्ल्यू क्रो. बी ऑप्शन टी आई जी आर ए टाइगर, ए एन डी एंड ई जी एल ई ईगल. सी ऑप्शन सी ओ डब्ल्यू काउ,
ANDSQUIRRE स्क्वीरल। डी ऑप्शन LIZARD लिजार्ड। ANDN WOD वुड। PECKER वुड पेकर। तो फर्स्ट वन ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है, टाइगर ईगल ईट करते प्लांट्स एंड फ्लैश? नो। काव एंड स्वीरल ईट करते प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स? नो। डी ऑप्शन लिजार्ड एंड वुड पेकर ईट करता है प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स? नो। तो राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन बियर एंड क्रो, वो प्लांट्स भी ईट करते हैं फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो बहुत ईट करते हैं, सो टिक द ए ऑप्शन। फोर्थ वन WHERE वेयर, DO डू, WV FIND फाइंड, BATS बैट्स, ANDN एंड BERS बीयर्स। हम कहाँ पे बैट्स एंड बीयर्स को फाइंड करते हैं? ए ऑप्शन इन IN CAVS केव्स, बी ऑप्शन इन HIVS hives, सी ऑप्शन IN BURROWS बुरोस, इन डी ऑप्शन IN NESTS नेस्ट। हम कहाँ पे बैट एंड बियर को फाइंड करते? यस ए ऑप्शन इन केव्स। फिफ्थ वन VWICH वीच, OF ऑफ, THCS दिस, DO डू, BIRDS बर्ड्स, USC यूज टू, MAK NESTS नेट्स। बच्चों बर्ड्स नेस्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ए ऑप्शन STON स्टोन, बी ऑप्शन STSTRAW स्ट्रो, ANDN TWIGS ट्विक्स, सी ऑप्शन LEAVS लीव्स, ANDN COTTON कॉटन, डी ऑप्शन BOTH बोथ, बी एंड सी। बच्चों बस अब बर्ड्स अपने नेस्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? फॉर ए ऑप्शन स्टोन, स्नो स्टोन कैन नॉट यूज, वो स्टोन कभी यूज़ करते नहीं है। बी ऑप्शन स्टो एंड ट्विक्स, यस। सी ऑप्शन लीव्स एंड कॉटन, यस। सो आंसर इज क्या, बॉथ बी एंड सी, डी ऑप्शन। सो यू हैव टू राइट द डी ऑप्शन। नाउ इन पेज नंबर 51 सेकंड क्वेश्चन, VERY वेरी, SHORT शॉर्ट, ANSWER आंसर, सॉरी TYTE टाइप, QUESTION क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, आपको वेरी शॉर्ट में लिखना है। WRITE राइट, ONE WRD वर्ड, FOR4 THE द, FOLLOWING फॉलोइंग, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। बच्चों आपको आंसर कैसे देना है, वन वर्ड में देना है। फर्स्ट वन LARGE लार्ज, ARE एरिया, COVRD कवर्ड, MAINLY मेनली, WYTH वीथ, TRWS ट्रीज, ANDN एंड SMALL स्मॉल, PLNTS प्लांट्स। बच्चों ऐसा कौन सा एरिया है, लार्ज एरिया है, जो प्लांट्स एंड ट्रीज से कवर होता है? यस राइट आंसर इज फॉरेस्ट। बच्चों यू हैव टू राइट FOREST फॉरेस्ट। सेकंड वन ARABIT रैबिट, MAKES मेक्स, DHIS दिस, TO2 LIVE लीव। बच्चों रैबिट कहाँ पे रहता है अपने लीव के लिए, वो अपने रहने के लिए क्या बनाता है? यस राइट आंसर इज बुरो, BURROW बुरो। थर्ड वन HORSES हॉर्सिस, ARER KEPT कैप्ट, INN THIS दिस, हॉर्सिस आर कैप्ट इन दिस। बच्चों हॉर्सिस को कहाँ पे रखते हैं? यस राइट आंसर इज स्टेबल, सो यू हैव टू राइट STABLE स्टेबल। ना फोर्थ वन HOME होम, THAT दैट, BWS बीस, MAKE मेक, TO2 टू लीव, LIVE लीव, ए होम दैट बीस मेक टू लीव। बच्चों बीस का होम क्या, अपने रहने के लिए वो क्या बनाता है? बीस का होम, बी का होम क्या होता है? यस आंसर इज बी हाइव, BEHIVE बी हाइव। स्टूडेंट्स योर टूडेज होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक। थैंक यू।